फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था कि जो भी बिजनेस करते थे वो सारा ट्रेडिशनल मेथड से होता था। ठीक है, तो आज के डेट पे क्या होता है कि सारा चीज ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन ई कॉमर्स तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब उसका आगे फ्यूचर में और क्या क्या चीजें आने वाली है। ठीक है, फ्यूचर में और क्या क्या चीजें उसमें ऐड होने वाली है और टेक्नोलॉजी का इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, द राइज एंड फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज यहाँ पे बैठी हुई है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इंडिया मार्ट, इस टाइप की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपना मार्केट यहाँ पे पूरा पूरा जमा ली है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखते हैं, विथ ग्रोइंग इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड डिस्पोजेबल इनकम्स, पीपल ऑफ इंडिया आर एक्सपीरियंसिंग ए मैसिव चेंज इन देयर शॉपिंग हैबिट्स। ठीक है, पीपल फ्रॉम ऑल फ्रंट ऑफ लाइफ आर यूजिंग देयर स्मार्टफोन्स टू बाय प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स। जैसा हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट आजकल हर इंसान यहाँ पे यूज करना सीख गया है, और यहाँ पे जो इनकम्स भी होते हैं इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज्यादा होते हैं। तो जितने भी यहाँ पे जनता है इंडिया की, ठीक है, वो अपनी शॉपिंग की हैबिट्स यहाँ पे बना रहे हैं सारा चीज ऑनलाइन शॉपिंग करके। ठीक है, मतलब छोटा सा बच्चा से लेके मतलब जो सीनियर सिटीजन है, सभी एजेस के लोग जो है वो आजकल ई कॉमर्स का यूज करना सीख गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की हम लोग यहाँ बात करेंगे, जैसे विद बिग थ्री अमेजोन, वॉलमार्ट और अलीबाबा। ये तीन ऐसे ई कॉमर्स बिजनेस है जो कि ऑनलाइन चलते हैं, जैसे अमेजॉन, ठीक है, वॉलमार्ट और अलीबाबा.com। ये तीन सबसे बड़े ई कॉमर्स बिजनेस मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जब इंडिया में आया, ठीक है, तो ये जनरली बहुत इसका जो ग्रोथ था बहुत धीरे हुआ। ठीक है, लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा यही तीन चलने वाले हैं। फ्लिपकार्ट भी इतना तेजी से अपना मार्केट नहीं जमा पाया जितना ये तीन जो है मार्केट करते हैं, क्योंकि ये बल्क में मार्केटिंग करते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट सिंगल में तो बेचते ही है, साथ में अगर बल्क परचेज भी करना होता है, जैसे होल सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज भी ये सप्लाई करता है। ठीक है, एंटरिंग द ई कॉमर्स सेक्टर इन इंडिया, द मार्केट इज स्लोली मैच्योरिंग एंड एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट टू द मोस्ट रिमोट लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े सिटीज जो होते थे, मेट्रो सिटीज, वहीं पे स्टार्ट किया गया था, फिर धीरे धीरे छोटे सिटीज में, आजकल रिमोट लोकेशन पे भी जो प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है वो भी यहाँ की जा रही है। मतलब कोई मान के चलो कि बस्तर में अगर कोई बैठा हुआ है, वहाँ कोई जंगल के बीच में, वहाँ से इंटरनेट से वो अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा, अगर वहाँ कोई भी एक कुरियर सर्विस भी अवेलेबल है तो भी उसको प्रोडक्ट वहाँ तक मिल पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की फैसिलिटीज जो है वो ई कॉमर्स सेक्टर जो है वो दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4% टोटल पॉपुलेशन 2007 के डेट में, ठीक है, मतलब यूज करते थे ई कॉमर्स। मतलब 2007 की अगर बात करें तो सिर्फ 4% पीपल ही यूज करते थे, मतलब टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 30, 100 करोड़, 130 करोड़ की जनता है हमारे पास। ठीक है, उसका 4% 2007 तक यूज करते थे। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग लगभग 2017 की अगर हम लोग बात करें तो 40% हो चुका था। मतलब 10 गुना यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ई कॉमर्स सेक्टर का यूज करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ते गया, ठीक है, लोग ई कॉमर्स को सीखे, आज के डेट में अगर हम लोग देखें 2020 का अगर हम लोग डेटा देखें तो 50 से 55% टोटल पॉपुलेशन इंडिया की वो ई कॉमर्स का यूज करते हैं। ठीक है, दिस इंटरनेट बूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इमर्जेंस ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया एंड अदर इंटरनेट बेस्ड डोमेन्स। ठीक है, जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ते जाएगा लोगों को वो चीजें समझती जाएगी और लोग बहुत सारी चीज सर्च करके ई कॉमर्स अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से भी अगर देखें तो 2014 में यहाँ पे 14% के हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है, फिर उसका 20%, ठीक है, इस टाइप से वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 2027 में जो है वो हर कोई मान के चलो वो यूज करेगा यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे 200
100 बिलियन का हो जाएगा, ठीक है। 200 बिलियन मतलब बहुत ज्यादा होता है ये। मान के चलो पूरे वर्ल्ड का अगर हम लोग इकोनॉमी भी काउंट कर ले तो इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो मार्केट साइज ई कॉमर्स का, वो इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पे पैर पसार रहा है और सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है। दिस सक्सेस स्टोरी स्टार्टेड इन 2007 विद द इंसेप्शन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट जब आया 2007 में, ठीक है, उसके पहले लोग अलीबाबा यूज करते थे, इंडिया मार्ट यूज करते थे, ई बे यूज करते थे, एक ट्रेडर्स डॉट कॉम होता था वो भी था, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कुछ कुछ छोटे छोटे वेबसाइट्स को यूज करते थे जो कि ग्लोबली चलता था। लेकिन जब फ्लिपकार्ट एक स्टार्टअप कंपनी आई, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया में बिजनेस करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिया बेस्ड ही होते हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इसमें ज्यादा होते हैं। बहुत सारी चीजें लोकली इसमें हम लोग को मिलती है, लेकिन हम लोग को अगर बाहर की चीजें भी हम लोग को लेनी है, इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी भी ये अवेलेबल कराता है। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग जानते ही है फ्लिपकार्ट क्या होता है। इसके अंदर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें लगाया गया है। लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, वो किसी ना किसी कुरियर सर्विस से वो जुड़ी होगी। जैसे ई कार्ट है, ई कार्ट फ्लिपकार्ट का एक खुद का कुरियर सर्विस होता है जो हम लोग को फास्ट डिलीवरी प्रोसेस करता है, क्योंकि वो और कोई दूसरे प्रोडक्ट का वो कुरियर नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ई कार्ट के ही प्रोडक्ट का वो डिलीवरी करता है, ठीक है। और जो यहाँ पेमेंट मेथड भी लगा होता है वो भी वो खुद का ही है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के ऑफर्स भी हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के सेलिंग मेथड्स भी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक कन्वीनियंट मोड होता है शॉपिंग करने का, वो हम लोग को प्रोवाइड करके मिल जाता है। तो फ्लिपकार्ट इसीलिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है कि हम लोग को वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वो मिलती है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, अगर वो पसंद नहीं आ रहा तो उसके ऑप्शन में हम लोग को बहुत सारे ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स भी हम लोग को दिखते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड मल्टीपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लॉजिस्टिक्स दिए, लॉजिस्टिक्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो डिलीवरी हो। जैसे मान के चलो हमने कोई भी एक प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है। जनरली कुछ दिन पहले मैंने एक मोबाइल ऑर्डर किया था, तो वो मैंने आज ऑर्डर किया, ठीक है, परसों सुबह वो मेरे को मुझे मिल गया था। इतनी फास्ट डिलीवरी होती है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स खुद का है, तो इसीलिए फ्लिपकार्ट जो है आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो फ्लिपकार्ट जो है सबसे ज़्यादा यूज करने वाला इंडिया में वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग की फैसिलिटी हम लोग को देता है, ठीक है। तो ई कॉमर्स की अगर हम लोग बात करें तो ई कॉमर्स का जो टोटल यहाँ पे अगर उसका हम लोग ग्रोथ की बात करें तो लगभग लगभग 200 बिलियन यहाँ पे टच कर चुका है, ठीक है। वैसे बड़े बड़े यहाँ पे हम लोग के पास ई कॉमर्स सेक्टर्स है जहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका है यहाँ पे, अमेजोन, वॉलमार्ट, अलीबाबा। वैसे अगर हम लोग डोमेस्टिक की बात करें, मतलब इंडिया में जो चलने वाले जो होलसेलर टाइप के होते हैं, वैसे स्नैपडील, शॉपक्लूज, इन्फीबीम, इस टाइप के अलग अलग टाइप के ई कॉमर्स है जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन टाइप की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका ग्रोथ जो है वो कम, ठीक है। वैसे ही अमेजोन भी है, अमेजोन भी अपना जो है बहुत बड़ा यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है, 5 बिलियन का इन्वेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला एक वेबसाइट है अमेजोन भी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ दिया हुआ है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ई कॉमर्स, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को सारा चीज़ के बारे में पता चल सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कैसे, ठीक है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो हमेशा अपने वेबसाइट को अपडेट करते रहता है, ठीक है। ऑफर्स कस्टमर्स को देते रहता है, ठीक है। उसके रेट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, मतलब जो मार्केट रेट होता है वो भी काफ़ी कम हम लोग को मिल जाता है। सर्विस बहुत अच्छी मिलती है, और इसके भी बहुत सारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग को चीप प्राइस में मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है उसकी, ठीक है। जो इकोसिस्टम होता है, मतलब जो एक, जैसे मान के चलो मैंने
मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, या फिर मुझे कोई ऑनलाइन शॉपिंग टाइप का कोई बिजनेस ओपन करना है, ठीक है, तो जैसा बाकी वेबसाइट्स में चल रहा है, ट्रेंड में जो चल रहा है, वही सारी चीज़ें हमें करना है, ठीक है। जैसे अमेजोन ने मान के चलो एक बिग बिलियन सेल रखा, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट ने एक बिग बिलियन सेल रखा, ठीक है, जो जनरली साल में 4 बार होता ही है, ठीक है, और कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ महीने भर कुछ ना कुछ ऑफर हम लोग को मिलते जाता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो मैंने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जो ऑनलाइन ई कॉमर्स का है, और उसमें कोई भी ऑफर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपके वेबसाइट पर कोई आएगा ही नहीं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके वहाँ पे ऑफर्स वगैरह क्रिएट करें, ठीक है, ये सब बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेटेजी आप लगाएंगे, उतनी ज़्यादा आप जो पीपल है उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस फ्लिपकार्ट की बात करें, तो उनका ही एक लॉजिस्टिक यूनिट भी होता है, जो कि जैसे ही प्रोडक्ट ऑर्डर होता है पहले से सारा चीज़ रेडी रहता है, ठीक है, बस स्टिकर लगाया और भेज दिए उसको, ठीक है। उनका एक ई कार्ट नाम का एक लॉजिस्टिक यूनिट है, जिसके थ्रू वो अपने एक वेयर हाउस में स्टोरेज कर सकते हैं और फास्ट डिलीवरी इसीलिए कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज मतलब उनके पास ऐसा गोडाउन होता है जिसके जिसमें पहले से प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जैसे मान के चलो सेल होने वाला है, अगर सेल होने वाला है कोई भी एक मोबाइल जो है वो 1000 पीस हमारे पास है, और 1000 पीस को सेल करना है, ठीक है, तो अगर जैसे ही सेल स्टार्ट हुआ, 1000 पीस ऑर्डर हो गया, तुरंत उसमें ऑर्डर जनरेट किया, स्टिकर लगाया और उसको डिलीवरी के लिए सेंड कर दिया, तुरंत तुरंत हो जाता है, तो सारा चीज़ पैक है। पहले क्या होता था, बहुत सारी कंपनीज क्या करती, जैसे कि अमेजोन, इस अमेजोन से जब हम लोग ऑर्डर करेंगे तो उसका डिलीवरी जो होता है बहुत स्लो होता है, क्योंकि उसमें जो सेलर होते हैं वो अलग अलग लोकेशन में होते हैं, पहले ऑर्डर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो जाएगा सेलर के पास, वो अपने वेयर हाउस से निकालेगा, उसको पैक करेगा, उसको पैकेट में जाएगा और कुरियर को जाके देगा, एक दिन तो उसी में निकल जाता है, ठीक है। लेकिन फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि सारा चीज़ उसके पास पहले से रेडी है, स्टिकर लगाया और सेंड कर दिया, ठीक है, तो इसी से इसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है, इसी से इसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ। और पेमेंट जो होते हैं, ठीक है, जितने भी पेमेंट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी फोन पे, ठीक है, मोबाइल वॉलेट इंडस्ट्री जब से बढ़ गई, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं पेटीएम, ठीक है, फोन पे, अमेजोन पे, इस टाइप के बहुत सारे पेमेंट मेथड्स आ गए, ठीक है, इससे क्या है, पेमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। पहले क्या करना होता था, कार्ड का 16 डिजिट का नंबर डालो, ठीक है, फिर उसमें ओटीपी आएगा, सीवीवी डालो, बहुत सारा कंजट होता था, लेकिन आज के डेट पे ये सारा चीज़ क्या हो गया, बहुत ईजी हो गया। वहाँ पे हम लोग को सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल पे एक लिंक आ जाता है, या फिर ओटीपी डालने के लिए आता है हम लोग को किसी भी ऐप से, और वहाँ से हम लोग कर देते हैं, तो पेमेंट भी यहाँ पे बहुत इजी हो गया है। तो यही सारा जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पेमेंट्स इजी होने की वजह से क्या होगा, पेमेंट्स इजी होने की वजह से क्या होगा, हम लोग इजीली पे कर पाएंगे, और हम लोग इजीली क्या कर पाएंगे, ऑर्डर कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर शेयर ऑफ पेमेंट मोड यहाँ पे देखें, तो नेट बैंकिंग का 17.2% यूज हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का 16.2% यूज हो रहा है, और डेबिट कार्ड का 21.2% यहाँ पे यूज हो रहा है। वैसे कैश ऑन डिलीवरी की बात करें तो 45% यूज होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे यूपीआई मेथड्स है, और भी बहुत सारे पेमेंट मेथड्स है, ठीक है, वो सारा चीज यहाँ पे 17% यूज होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे बहुत सारे और भी ई कॉमर्स के बिजनेस होते हैं, जैसे बुक माई शो, ठीक है, बुक माई शो है, जोमेटो है, ऑर्डर है, ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस भी चलते हैं।